नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से भागलपुर रेलखंड की कई ट्रेनें की गई रद्द, दुमका होकर चलेगी विक्रमशिला एक्सप्रेस। शिक्षकों की काउंसलिंग में नवगछिया नगर परिषद उपाध्यक्ष का आरोप, व्यापक पैमाने पर हो रहा है लेन देन का खेल। दूसरे दिन भी महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के कर्मियों ने टीएनवीयू में किया प्रदर्शन, मांगे नहीं माने जाने पर देंगे अनिश्चितकालीन धरना। और इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस समारोह पर कोरोना का साया, सादगीपूर्ण तरीके से झंडे को दी जाएगी सलामी। अब खबरें विस्तार से। जमालपुर में नए टनल और डबल लाइन को चालू करने के लिए जमालपुर और रतनपुर स्टेशनों के बीच नन इंटरलॉकिंग होने की वजह से 19 जनवरी से 28 जनवरी तक भागलपुर रेलखंड पर कई ट्रेनें रूट बदलकर चलेंगी, जबकि कई ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट तो कई ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा। बुधवार को विक्रमशिला एक्सप्रेस भागलपुर स्टेशन से 60 मिनट तो भागलपुर के रास्ते चलने वाली बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी 90 मिनट बांका से लेट खुली है। वहीं साहिबगंज जमालपुर पैसेंजर भागलपुर तक ही चलेगी। 13406 जमालपुर भागलपुर पैसेंजर शुक्रवार को नहीं चलेगी। 13409 मालदा क्यूल इंटरसिटी भागलपुर तक ही चलेगी, जबकि विक्रमशिला एक्सप्रेस के परिचालन रूट में बदलाव किया गया है। यह ट्रेन दुमका, रामपुर हाट, आसनसोल, झांझा, जसीडी, क्यूल होकर चलेगी। 13419 अब भागलपुर मुजफ्फरपुर जनसेवा एक्सप्रेस दोपहर 2:20 की जगह शाम 4:05 में भागलपुर से रवाना होगी। 13245 अब साहिबगंज दानापुर इंटरसिटी दोपहर 3:00 साहिबगंज स्टेशन से खुलेगी। भागलपुर में चल रहे शिक्षक नियोजन की काउंसलिंग की प्रक्रिया में आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग में नगर निगम में 85, नगर पंचायत नवगछिया में 65 समेत 150 शिक्षकों का नियोजन होना है। नगर निगम क्षेत्र के लिए शिक्षकों की काउंसलिंग जिला स्कूल में, जबकि नगर पंचायत नवगछिया के लिए राजकीय बालिका उच्च विद्यालय में हो रही है। नवगछिया नगर परिषद उपाध्यक्ष का आरोप है कि काउंसलिंग में व्यापक पैमाने पर लेन देन का खेल हो रहा है। उन्होंने चेयरमैन पर पैसे लेने का आरोप लगाते हुए विरोध दर्ज कराया है। वहीं एग्जीक्यूटिव अफसर ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि काउंसलिंग निर्धारित प्रक्रिया और पारदर्शी तरीके से चल रहा है। इस बीच राजकीय उच्च विद्यालय में अभ्यर्थियों ने मुखिया के काउंसलिंग हॉल में जाने को लेकर हंगामा भी किया। चेयरमैन का जो है वॉलेंटियर सब यहाँ पे है, वो जो है पैसा तैसा लेन देन कर रहा है यहाँ पे, इसलिए हम आए। और यहाँ पे हम जैसे आए वहाँ पे गेट पे मुखिया जो है कुनामा प्रताप नगर प्रतिनिधि प्रभात कुमार, वो जो है गेट पे सारे जितना भी काउंसलर है उसको जा के टॉर्चर करता था पैसा का। तो हम वहाँ पे उसका अथोराइज कुछ नहीं है, तो हम लोग हल्ला किए तो वो निकल के भागा यहाँ से काउंसलर हाउस से। नहीं, मुखिया जो था, हम लोग तो टीचर के रूप में नीचे था, लेकिन बाद में लोग पहचान किया कि वो मुखिया था तो उसको बाहर कर दिया गया है। अभी तक किसी का पैसा लेके नहीं बहाली होगा। अपनी 11 सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के कर्मी बुधवार को दूसरे दिन भी हड़ताल पर रहे और प्रदर्शन किया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन और हड़ताल अब सामान्य बात हो गई है। कभी छात्र उग्र होते हैं तो कभी अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर कर्मचारियों के प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय व महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारी आंदोलन पर अड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो कर्मचारी महासंघ 1 फरवरी से 4 फरवरी तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं सरकार का यही रवैया रहा तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। आह्वान पर ये धरना का कार्यक्रम चल रहा है। 11 सूत्री मांग हमारा स्टेट का है और 11 सूत्री मांग हमारा लोकल एजेंडा है। ये 2 दिवसीय धरना का कार्यक्रम आज मेरा अंतिम है।
पर हम लोगों ने आंदोलन किए। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रोन की आशंका के बीच इस वर्ष गणतंत्र दिवस का समारोह फीका रहेगा। प्रशासन का कहना है कि गणतंत्र दिवस का समारोह बिना कोई तामझाम के और परंपरा अनुसार होगा। इस मौके पर सादगीपूर्ण तरीके से झंडे को सलामी दी जाएगी और कोई कल्चर इवेंट नहीं होंगे। सैंडिस कंपाउंड और लाजपत पार्क में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। सैंडिस कंपाउंड में सार्जेंट मेजर के नेतृत्व में परेड की तैयारी की जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए इस बार कम ही जवान परेड में हिस्सा लेंगे और बच्चों की भी एंट्री सैंडिस कंपाउंड में नहीं होगी। परेड की तैयारी के दौरान जवानों के साथ साथ महिला जवान भी कदम ताल मिला रही हैं। प्राकृतिक आपदा भूकंप से कैसे अपना बचाव करें, इसको लेकर बुधवार को भागलपुर में SDRF की टीम ने DRDA परिसर में मॉक ड्रिल किया। 15 जनवरी से 21 जनवरी तक चलने वाले भूकंप सुरक्षा सप्ताह के दौरान SDRF की टीम ने लोगों को जागरूक किया। मॉक ड्रिल के जरिए यह जानकारी दी गई कि भूकंप आने के पहले और बाद में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। साथ ही लोगों को यह भी बताया गया कि बिहार में भूकंप जोन के तहत कौन कौन से जिले हैं। SDRF के पदाधिकारी ने बताया कि भूकंप आने पर झुको, ढको और पकड़ो के फॉर्मूले को अपनाना चाहिए और लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि बिहार के 5 जिले सीतामढ़ी, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, किशनगंज और अररिया डेंजर जोन में हैं, जहां भूकंप का सर्वाधिक खतरा है। भूकंप आने से पूर्व क्या करें, भूकंप आ जाए तो क्या करें और भूकंप समाप्त हो जाता है तो क्या कार्रवाई करें। साथ ही साथ हमारा बिहार जो है भूकंप जोन, कौन कौन से जिले में, कौन कौन से जिले हैं जो अधिक खतरनाक हैं उनके बारे में, साथ ही कौन से जिले हैं जो कम खतरनाक हैं उसके बारे में, साथ ही भूकंप यदि आ जाए तो क्या कार्रवाई करें। सबसे पहले झुको, ढको और पकड़ो, ये कार्रवाई सभी को मालूम होना चाहिए। शहर में बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जिला प्रशासन भी चिंतित है। इसे रोकने और ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन NCC बिहार बटालियन के साथ मिलकर मुहिम चला रहा है। आपको बता दें कि पूरे देश में प्रत्येक वर्ष जनवरी में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान सप्ताह मनाया जाता है। NCC के जवानों ने सड़क पर बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। आज हम 23 बिहार बटालियन NCC भागलपुर के तरफ से सड़क सुरक्षा अभियान का जागरूकता रैली चलाया गया है, तो हम लोग बहुत सारे कैडेट यहाँ पे आए हुए हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि वो मास्क पहने, हेलमेट पहने और ट्रैफिक रूल का पालन करें और अपने लाइफ अपने हाथ में है, उसको सुरक्षित रखें, बचा के चलें। नालंदा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर जिला प्रशासन सख्ते में है। शराबबंदी सख्ती से लागू कराने, शराब की बरामदगी के लिए एंटी लीकर टीम लगातार दबिश दे रही है। बुधवार को मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के मेहमतपुर में टीम ने मधुसूदनपुर थाना पुलिस की मदद से कई घरों और खेतों में छापेमारी की। पुलिस खाक छानती रही लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। छापेमारी में लगी टीम ने बताया कि शराब माफियाओं पर नकेल कसने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।